नमस्कार दोस्तों, आज मैं उन लोगों के लिए उपचार बताने जा रहा हूँ जिनको सर में दर्द रहता है, नींद नहीं आती है, चक्कर आते हैं, थकान रहती है, कमजोरी रहती है या हमारा सर भारी भारी रहता है। तो क्या करना है? एक प्राणायाम होता है अनुलोम विलोम, बहुत सरल है और इस प्राणायाम को आप कभी भी कर सकते हैं। किस प्रकार? देखिए, वैसे तो सही मुद्रा इसकी वायु मुद्रा होती है, इस प्रकार हम कर सकते हैं थंब एंड बॉथ मिडल फिंगर से, लेकिन मैं आपको इजी समझाने के लिए इंडेक्स फिंगर से करके दिखाता हूँ। फर्स्ट फिंगर से पहले हम अपनी राइट नोज को प्रेस करें और लेफ्ट से सांस को भरें अपने चेस्ट को फुलाते हुए, फिर अपनी लेफ्ट नोज को प्रेस करें, राइट से छोड़ें। अब हमने जैसे राइट से छोड़ा है तो राइट से दोबारा भरेंगे, फिर राइट को दबाना, लेफ्ट से छोड़ना है। ये हमारा वन साइकिल हुआ, पहले हमने लेफ्ट से भरा, राइट से छोड़ा, फिर राइट से भरा, फिर लेफ्ट से छोड़ा, तो वन साइकिल हुआ। ऐसे हमने 50 साइकिल डेली करनी है। जब भी हमें इस प्रकार की कोई समस्या हो, सर में दर्द है, चक्कर आ रहे हैं, थकान है, कमजोरी है, माइग्रेन है, हेडेक है, इंसोम्निया है, तो आप इस प्राणायाम को करेंगे, इंस्टेंट आपको बेनिफिट मिलेगा। कंटिन्यू करना है, आंखें बंद करके इस ऐसी जगह पे करना है जहाँ कोई शोर शराबा ना हो, है ना। और एक बार और करके दिखा देते हैं आपको। ऐसे पहले अपने राइट नोज को प्रेस करना है, लेफ्ट से भरना है, लेफ्ट को दबा के राइट से छोड़ना है, राइट से भरना है, लेफ्ट से छोड़ना है, धीरे धीरे करना है, साउंडलेस ब्रीदिंग, धीरे धीरे। जितना आप आराम आराम से करेंगे उतना आपको लाभ होगा। और डाइट में क्या लेना है, जैसे रात को बादाम, मुनक्का, अंजीर, अखरोट, इनको रात को भिगो दें पानी में, फिर आप सुबह खाएं। अगर आप दूध के साथ लेना चाहते हैं तो बादाम, मुनक्का, अंजीर, अखरोट, मखाने, इनको दूध में आप बॉयल करके खाइए सुबह और शाम को, तो देखेंगे आपके ब्रेन से रिलेटेड जो डिजीज हैं वो धीरे धीरे ठीक होने लगेंगी। आपको चक्कर नहीं आएंगे, थकान नहीं होगी, कमजोरी नहीं होगी, सर भारी नहीं रहेगा, आपको स्ट्रेस नहीं होगा और आपकी दिनचर्या एक्टिव रहेगी, आप एनर्जीफुल रहेंगे, पावरफुल बनेंगे धीरे धीरे। और जब हम पावरफुल होते हैं तो हमें किसी प्रकार की कोई कमजोरी नहीं होती है। तो आप इस प्रयोग को जरूर अपनाएं, देखेंगे आपको डेफिनेटली 100% आपको लाभ मिलेगा। धन्यवाद।